हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यासिर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैग द हाओ। और मैं आज आपको सिखाऊंगा सीपीयू 620 रिपेयर करना। इसके अंदर प्रॉब्लम है मूवमेंट की, एक्स वाई मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो हम देख ऑन करके इसकी प्रॉब्लम देख लेते हैं पहले एक बार। ये हमने ऑन कर दिया, ये सीपीयू यहाँ लगा रखा है, ये मॉनिटर, तो ये ऑन हो गया है। तो अभी हम देख लेते हैं, हमने ये यहाँ पे एक मोटर जोड़ रखी है और ये केबल लगा रखी है एक्स वाली। तो हम जो है दबा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो कोई भी बटन दबा रहे हैं तो इधर मोटर मूव नहीं हो रहा है ये वाला। तो यहाँ पे जबकि लाइट भी, तीनों इसकी कमांड भी चल रही हैं, जो तीन लाइट जलनी चाहिए कमांड से, वो भी तीनों प्रॉपर वर्किंग कर रही हैं। और मोटर का आपको आवाज़ कोई नहीं आ रहा होगा, मोटर कोई नहीं चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हम ये कमांड केबल निकालते हैं, ये वाली और ये वाली कमांड केबल लगा लेते हैं। अब चेक करते हैं, ये देखो ये चलने लगी, ठीक है। तो ये वाई में चल रहा है कार्ड और एक्स में नहीं चल रहा। और जब हम एक्स की कमांड केबल लगाते हैं तो ये नहीं चलता, लाइट भी हम प्रॉपर जल रही है तीनों। तो ये सीपीयू का प्रॉब्लम है, तो इसको रिपेयर करते हैं सीपीयू को और देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, और फिर चेक करते हैं। तो हम पहले इसको बंद कर लेते हैं और सीपीयू को निकालते हैं यहाँ से। ये ले आए हम इसको अपनी रिपेयरिंग के लिए। दिख पा रहा होगा आपको, तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहला काम है हमें इसका रेजिस्टेंस चेक करने का। तो हम एक लाइन से जो ये रेजिस्टेंस लगी हैं इनको चेक कर लेते हैं। 471 यानी कि 47 ओम, 40 47। ओके ठीक है, ये सारी रेजिस्टेंस हमने चेक करी। ये 471 की रेजिस्टेंस हैं, 471 जो कि बिल्कुल ओके हैं। उसके बाद हम ये रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, 472, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी ओके है। और ये है 331, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ओके। 201, 201 ये भी ओके है। यहाँ लगी है 102 यानी कि वन के ये भी ओके है। ये है 331, ये भी ठीक है। ये 331 यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिखा रही है, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये 331 आई है, रेजिस्टेंस लगी है, ये कोई वैल्यू नहीं दिखा रही है। हम इसको मार्क कर लेते हैं ऐसे। इसके बाद आगे चलते हैं, वन के
और उसके बाद ये भी गलत दिखा रही है, ये 1 का की रेजिस्टेंस है, इसको 1 के दिखाना चाहिए, 0.99 या 1.00, ये गलत दिखा रही है रेजिस्टेंस, तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। तो अभी हमें क्या है, ये दो रेजिस्टेंस इसका चेंज करना है। यहाँ पे जो हमने रेजिस्टेंस पे निशान लगाया है, ये दो रेजिस्टेंस हमें इसका चेंज करना है, और हम चेंज करके देखते हैं फिर कि इसमें क्या होता है। गई 331, ये हो गई 102, इसको करते हैं चेक। अभी पता लग जाएगा कि ये ठीक हुआ या ठीक नहीं हुआ। ये लगाया हमने केबल, एक्स वाली साइड चलने लगी है इसकी, जो एक्स वाली नहीं चल रही थी वाई वाली चल रही थी। अभी कंफर्म कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल राइट, जो एक्स वाली साइड पहले बंद थी वो अब चलने लगी है, ये बोर्ड सही हो गया है। यहाँ देखो ये मोटर घूम रही है, ये तीनों लाइट जल रही हैं यहाँ पे, और ये एक्स का बटन मैंने दबा रखा है इधर भी और इधर भी। ठीक है, अभी हम इसका केबल निकाल लेते हैं, और इसके अंदर ये हमने केबल एक्स वाला ये पकड़ रखा हाथ में जो है यहाँ, और अब हम इसमें वाई वाला लगा देते हैं। ये रहा एक्स, हमने ये पकड़ रखा है
और वाई हम ये लगाते हैं यहाँ पे, और अब ये वाई में चलेगा। ये देखो अब ये वाई में चलने लगा, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी दोनों तरफ। तो देखा आपने, आप जो है हमारा कार्ड बिल्कुल ओके हो गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जो है मैं वहाँ भी आपका जवाब दे दूँगा। और अगर नहीं समझ में आता है फिर भी, तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके अपना नंबर छोड़े, और फिर मैं उस पर कुछ आपको रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो जो है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और लोग मेरे साथ जुड़े और मैं जो है सभी को ये चीज़ समझा पाऊँ, दिखा पाऊँ। धन्यवाद।